नमस्कार। क्या आपने कभी गौर किया है कि जितने भी शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग, स्वयंभूलिंग, वहां पर लोग मेडिटेशन और वहां पर शांति क्यों मिलती है? भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आनंद मिलता है और भगवान शिव ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के यहां परम शांति मिलती है, ऐसा क्यों? जब किसी ऋषि मुनि को तपस्या करनी होती है, पुराणों में भी आपने देखा होगा ऋषि मुनि तपस्या करते थे, बड़े बड़े लोग सिद्धि के लिए यज्ञ करते थे, सब कुछ करते थे। वो कहाँ करते थे? जहाँ स्वयंभू लिंग होते थे, जहाँ शिवलिंग होते थे, या जहाँ कई विशेष प्रकार के शिवलिंग होते, वहाँ पर साधना, योग, मेडिटेशन और तपस्या करते। लेकिन आखिर आपने कभी सोचा है कि लोग शिवलिंग के यहाँ के आसपास ही क्यों जाते हैं? तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए, योग करने के लिए क्यों जाते हैं? वहां पर इतनी मानसिक शांति क्यों मिलती है? कभी आपने नोट किया है? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जो आज अपन जानेंगे। आइए देखते हैं। अधिकतर ज्योतिर्लिंग एवं स्वयंभूलिंग शिवलिंग के नजदीक ध्यान लगाते हैं लोग, अधिकतर लोग, मतलब 99% लोग। अगर उनको ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, कोई योग करना है या कोई तपस्या करनी है, तो ज्योतिर्लिंग, स्वयंभूलिंग या कोई विशेष प्रकार का शिवलिंग होता है, वहाँ के आसपास नजदीक जाकर लोग तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं, इसके पीछे वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया कि जितने भी शिवलिंग है, जितने भी शिवलिंग के मंदिर हैं, वहां पर मानसिक शांति क्यों मिलती है? आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? तो वैज्ञानिकों ने इसके पीछे रिसर्च किया और ये रीजन पाया। देखिए आप, यहां पर जितने भी शिवलिंग होते हैं ना, वहां पर ध्यान एकाग्र होता है, श्वास संतुलित होता है, मानसिक शांति मिलती है। जब किसी शिवलिंग के पास में आप जाओगे, बहुत बड़ा कोई ज्योतिर्लिंग होता है उसके पास आप जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी जो श्वास है ऑटोमेटिक संतुलित होगी, कंट्रोल होगी, और वहां जाते ही आपको एक परम शांति का अनुभव होगा। क्यों? देखिए, ज्योतिर्लिंग के नीचे रेडियो एक्टिव एनर्जी पाई जाती है, ये तो आपको पता ही है। मैंने अपने दो वीडियो पहले भी बताए थे, दो या तीन वीडियो, उसमें जितने भी ज्योतिर्लिंग और स्वयंभू लिंग हैं उसके नीचे रेडियो एक्टिव एनर्जी पाई जाती है। तो जब इनके नीचे अगर रेडियो एक्टिव एनर्जी पाई जाती है ना, तो इसके कारण जो शिवलिंग के नज़दीक जाता है ना, उसके मन, मस्तिष्क व शरीर में कुछ विशेष प्रकार के बदलाव होते हैं। ये रीजन है, देखना आप। जब ज्योतिर्लिंग, स्वयंभूलिंग या विशेष प्रकार का कोई शिवलिंग होते हैं, उनके नीचे आपको पता ही रेडियो एक्टिव एनर्जी पाई जाती है बहुत ही भारी भारी मात्रा। जब उनके कोई नज़दीक जाता है ना, तो उस रेडियो एक्टिव एनर्जी के कारण, यह बात कहीं नहीं लिखी है, लोग महसूस जरूर करते हैं, लेकिन खुद वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और ये बात पाया है, रेडियो एक्टिव एनर्जी के कारण लोग शिवलिंग के जब नज़दीक जाते हैं ना, तो उनके मन मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है। इट इज अ ट्रूथ, नॉट अ फॉल्स स्टोरी। खुद वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और ये पाया है। जब आप स्वयं बोलेंगे, देखना आप खुद कभी किसी ज्योतिर्लिंग के पास जाओ ना, तो देखना आपके अंदर एक विशेष प्रकार का चेंज होगा, आपके मन मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की हलचल पैदा होगी। और अगर आपको, मैं बता देता हूं आपको, मैंने खुद ने अनुभव किया है, अगर आपको कभी भी मौका मिले ज्योतिर्लिंग के हाथ टच करने का, तो एक बार हाथ टच करना, आपको एक विशेष प्रकार का अनुभव होगा, आपके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। ये चमत्कार होता है ज्योतिर्लिंग और स्वयंभूलिंग। शिवलिंग के नीचे रेडियो एक्टिव एनर्जी के कारण ध्यान आसानी से लग जाता है, यह बात खुद वैज्ञानिक मानते हैं। शिवलिंग के नीचे बड़ी भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव एनर्जी होती है, उसके कारण से वहां पर कोई भी व्यक्ति बैठता है, ध्यान लगाता है, मेडिटेशन लगाता है या कोई तपस्या करता है, तो उसका ध्यान
मतलब बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। किसके कारण? इस रेडियो एक्टिव के एनर्जी के कारण। तो इस कारण से लोगों को अगर मेडिटेशन करना है, तपस्या करनी है, योग साधना करनी है और मतलब अपने ध्यान को, अपने मन को एकाग्र करना है ना, तो लोग ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू लिंग और शिवलिंग के नज़दीक जाते हैं इस कारण से।